before he cut, you can see such a long and thin. And after, wow, lovely, short, long to short haircut, which is amazing, bouncy haircut. Today I just got my hair done by Shyama. Honestly, one of the best hairdressers I've ever met in my life. I've been going to her for the past 3 years because she's the only one I trust her with. I've come all the way from Mauritius. I've waited a whole year for this. And I had pretty long hair and she's done it short. And honestly, I don't trust anyone else with my hair. I'm really happy with what I've got right now. And keep liking and subscribing. And honestly, I love Shyama. She's amazing. Bye. Thank you so much for coming. God bless you. Hey guys, once again, welcome to Shyama's Makeover Channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope are you doing well. केरकम आछेन आपनारा? भालो? Yes guys, बताना चाहती हूँ कि आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो है इजी हेयर कट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स. लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट, बाउंसी हेयर कट एंड लेयर हेयर कट, शॉर्ट लेयर हेयर कट. सो गाइस, मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी जरूर जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो. बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. Here you can see before and after transformation. Oh my god, just look at her, she is looking so cute. You guys, she came all the way from Mauritius to get a haircut done from me. जी हाँ, yes guys, आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी तो समझ में आएगा ये खूबसूरत सा हेयरकट मैंने कैसे किया है. और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सब्सक्राइबर बटन के साथ में जो बेल है उसको अभी से वक्त प्रेस कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा और ऑल का भी ऑप्शन प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जल्द से जल्दी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं. तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले शैम्पू कंडीशनर करने के बाद जो बाल है फ्रेंड्स, मैं एक रफली चॉप कर रही हूँ. आगे देखते हैं, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तभी तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तभी तो आप सीख सकते हैं. सो यहाँ पे मैं अच्छे से शैम्पू कंडीशनर करने के बाद लाइन को मैंने कटिंग चेयर पे बिठा के अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ. देखिएगा फ्रेंड्स, टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर तक के पहले प्रोफाइल सेक्शन लिया, फिर रेडियल सेक्शन लिया और उसके बाद इसको मैं पूरा सेपरेट कर रही हूँ. प्रोफाइल सेक्शन और रेडियल सेक्शन आप देख सकते हैं, जी हाँ, और बैक साइड से सारे बालों को मैंने क्लिप कर दिया है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने प्रोफाइल सेक्शन से, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन से थोड़ा सा बाल लिया और उसके बाद इसको मैं क्या कर रही हूँ, नोज की सिधाई में ले जाके काट रही हूँ. यू कैन सी हियर, अब वो रहा हमारा गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को लेना है और सारे राइट साइड के बालों को काटना है. देखिए कितने लंबे लंबे बाल काट रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट पहले से ही डिसाइड करके आई थी कि आई जस्ट वॉन्ट टू कट माई हेयर शॉर्ट. सो चलिए देखते हैं. सो जिस तरह से मैंने क्लाइंट के राइट सेक्शन को कट किया है, अब मैं लेफ्ट साइड के बालों को काटूंगी. इस सिचुएशन में मेरा फिंगर देखिए बॉटम की तरफ जा रहा है और अच्छे से गाइडलाइन लेते हुए मैंने लेफ्ट के बालों को भी काट रही हूँ. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, मतलब सारे बालों को फ्रंट में ले जाके काट रही हूँ. नाउ टाइम फॉर चेकिंग. यस गाइस, मेक श्योर चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से चेक कीजिएगा. मैंने देखा लेफ्ट साइड के बाल थोड़ा सा काटने के बावजूद लंबे नज़र आ रहे थे, हाफ हाफ इंच का भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. अच्छे से चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है. अब मैंने सारे पीछे के बालों को फ्रंट में ले जाके काटूंगी. अब देखिए यहाँ पे फ्रंट जो रहा वो है हमारा गाइडलाइन, बैक साइड के सारे बालों को आपने फ्रंट में लाना है और उसके बाद आपने इसको काटना है. देखिए फ्रेंड्स,
ठीक है, इस सिचुएशन में जो मेरा फिंगर है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, फिंगर का झुकाव नीचे की तरफ है, बैक साइड के सारे बालों को ले जाके शोल्डर के थोड़ा सा सामने लाना है और फ्रंट में काटना है, राइट। सो अब मैं आती हूँ क्लाइंट के राइट सेक्शन में। राइट सेक्शन आप देख सकते हैं कटे हैं बाल, उन बालों को लेना है और पीछे के बालों को काटना है, मतलब जो बाल फ्रंट में आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, कटे हुए बाल हैं, उसको लेना है और पीछे के बालों को काटना है। पर उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्रे बॉटल से सबसे पहले इनके पूरे बालों को मैं वेट करना चाह रही हूँ, गीला कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस मेक श्योर, ध्यान रखिएगा, बालों को अच्छे से गीला करिएगा और उसके बाद कट कीजिएगा। अगर बाल थोड़ा सा भी ड्राई होता है तो कट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता। मेक श्योर आपने अच्छे से बालों को पूरी तरह से वेट करना है वाटर स्प्रे के साथ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो फ्रंट के बाल हैं आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर, मतलब रेडियल सेक्शन को मैं दोबारा से सेपरेट कर रही हूँ, आगे सेक्शन क्लिप से अच्छे से टक कर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बैक में जो बाल बचे हैं इसको मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं यस गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ यू शेप। सो अगर आप मेरे बहुत ओल्ड फॉलोअर्स हैं, अगर काफ़ी टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस वक्त मैं क्या करने जा रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं यू शेप क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप तो मेरा यू शेप हेयर कट देखना चाहते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से आप यू शेप कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप मेरे और भी वीडियोस देखिएगा कि बाकी हेयर कट मैंने कितनी खूबसूरत तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। फ्रेंड्स, खूबसूरत तरीके से मैंने यू शेप क्रिएट किया है, चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है कि यू शेप आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्यूटोरियल मैं सिखाती हूँ फ्रेंड्स। और अब हम आते हैं टॉप सेक्शन में। टॉप सेक्शन का जो सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आईब्रोज का, दोनों आईब्रोज का सेंटर पॉइंट लेना है और यहाँ से बॉक्स बना रही हूँ मैं टॉप में, दिस इज़ कॉल्ड टॉप एंड क्राउन, दोनों ही मैं सेक्शन एक साथ उठा रही हूँ और इसको मैं काटूँगी 90 डिग्री में। सो यहाँ देख सकते हैं कि मैं 90 डिग्री में काट रही हूँ। अब देखिए क्या करना है, दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके डिवाइड किया, फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है। अब मैं आती हूँ बैक सेक्शन, धीरे 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 करके मैं नीचे वाले सेक्शन को भी काटूंगी। तो सबसे पहले मैंने काटा है टॉप सेक्शन, फिर ये है हमारा क्राउन सेक्शन, क्राउन सेक्शन को भी मैंने उठाना है सीधा, उठा के सीधा 90 डिग्री में काटना है। तो फ्रेंड बेसिकली मैंने इनका इस बार 45 और 90 डिग्री में जो लोअर लेयर्स पीछे से देती वो नहीं दे रही हूँ। इस कट को मैंने पहले फॉरवर्ड ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बॉक्स सेक्शन टॉप से उठा के टॉप टू बॉटम मैं इसको लेयर्स क्रिएट कर रही हूँ, राइट। ये देखिए, ये रहा फ्रंट के बाल, जो कटे हुए बाल है उसको सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है। सो अब मैं लूंगी लोअर क्राउन सेक्शन, ये है हमारा लोअर क्राउन सेक्शन, इसको भी मैं उठा रही हूँ, अच्छे से रूट से कॉम करना है, बढ़िया से कॉम करना है, बाल गीले होने चाहिए, कॉमिंग भी अच्छी होनी चाहिए और इसको भी मैंने 90 डिग्री में काट रही हूँ। और अगेन मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन से दो पार्टीशन डिवाइड कर दिया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ नीचे के बाल वर्टिकल सेक्शन, यू कैन सी हियर, जी हाँ, इसको भी अच्छे से मैं कट करूँगी। तो इस सेक्शन को भी आपने 90 डिग्री में काटना है, यहाँ का 90 डिग्री एकदम सीधा होता है, टॉप सेक्शन का 90 डिग्री एकदम ऊपर होता है। तो देखिए इस तरह से मैं लेयर्स क्रिएट कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे हो आप इस वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको ये वीडियो, और अगर आप आगे कुछ और सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। सो नाउ टाइम फॉर ब्लो ड्राई, तो चलिए इनके बालों को करते हैं अब ड्राई, प्रॉपर तरीके से ब्लो ड्राई करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डेनमिन के ब्रशेस, विच इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर माय अदर्स वीडियोस आल्सो। एंड यहाँ पे मैं देखिए, यस गाइस, शी केम ऑल द वे फ्रॉम मॉरिशस एंड गेट दिस अमेजिंग हेयर कट,
जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कट, कलर और मेकअप, स्टाइलिंग, तो सर्च कीजिएगा हेयर स्टाइल बाय श्यामास मेकओवर, मेकअप बाय श्यामास मेकओवर और एनीथिंग कीवर्ड टूल्स डालिएगा और मेरे चैनल का नाम मेंशन कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, देखिएगा बहुत सारे वीडियोस टिल नाउ आई अपलोडेड 505 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Till then, take care. Bye guys. See you soon.